हेलो क्लास फोर, वेलकम टू विज क्लासेस। इन ईवीएस यू आर स्टार्टिंग चैप्टर सेवन। चैप्टर नेम इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ट्रीज, पेड़ों की शानदार दुनिया, पेड़ों की आश्चर्यजनक दुनिया। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ ट्रीज, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, वर्ल्ड ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की दुनिया, पेड़ों की आश्चर्यजनक दुनिया। इसमें मैंने पार्ट्स ऑफ द प्लांट और टाइप्स ऑफ द प्लांट आपको पढ़ाया था। प्लांट को मेनली टू पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर हो उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। पौधे का वह पार्ट जो ग्राउंड के अबव हो, ग्राउंड से ऊपर हो, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम को भी कई पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, जैसे स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड बर्ड्स, तना, पत्ती, फूल, फल और कली। रूट एंड शूट सिस्टम, ये प्लांट का पिक्चर है जिसमें प्लांट्स के कई पार्ट्स दर्शाए गए हैं। रूट, फ्रूट, लीफ, फ्लावर एंड स्टीम। रूट के क्या फंक्शन है, क्या कार्य है? रूट जो है प्लांट को अपहोल्ड करके रखता है सॉइल से, उसको जकड़ के रखता है, बांध के रखता है। साथ ही साथ यह सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। स्टीम के क्या कार्य है? स्टीम रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को प्लांट की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो लीव्स हैं, जो प्लांट की पत्तियां हैं, वो प्लांट की फूड फैक्ट्री कही जाती है, क्योंकि इन्हीं में प्लांट के भोजन का निर्माण होता है, प्लांट में ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्लांट की पत्तियों में ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो सन की हीट को कैप्चर करने का काम करता है। और प्लांट सन की हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से प्लांट की पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वंस अगेन, क्या क्या फंक्शन है? रूट जो है क्या करता है? रूट सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ प्लांट को अपहोल्ड करके रखता है सॉइल से, इसको होल्ड करके बांध के रखता है। स्टीम प्लांट को स्टैंड होने में हेल्प करता है, साथ ही साथ सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल्स को प्लांट की पत्तियों तक पहुंचाता है। प्लांट की पत्तियां भोजन का निर्माण करती है। टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट को के कई टाइप्स मैंने पढ़ाए थे, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर। ट्रीज जो है वो बिग प्लांट होते हैं, बहुत सालों तक ये जीवित रहते हैं। इनमें एक मोटा ट्रंक पाया जाता है और उससे ब्रांचेस निकलते हैं। शर्ब्स जो है वो मीडियम साइज प्लांट होते हैं, ये हर्ब से बड़े होते हैं लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। ट्रीज की अपेक्षा ये कम जीवित रहते हैं, ट्रीज कई सालों तक जीवित रहते हैं, उसकी अपेक्षा ये कुछ सालों तक ये जीवित रहते हैं। शर्ब्स में पतली पतली वुड पाए जाते हैं, लकड़ियाँ पाई जाती हैं और जमीन से, इनमें मोटा ट्रंक नहीं पाया जाता, जमीन से थोड़ी सी दूरी पर इनमें ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं। हर्ब्स में बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं होती, इनका स्टीम जो है वो सॉफ्ट होता है, कोमल होता है और ये एक या दो साल तक ही जीवित रहते हैं। क्लाइंबर्स, क्लाइंब का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी अदर प्लांट या किसी भी अदर सर्कमस्टेंसेस का सहारा पाकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लांट है क्रीपर। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो जमीन पे ही ग्रो होते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। हर्ब्स, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं? इनमें सॉफ्ट स्टीम होती है, जैसे कि पुदीना, धनिया। हर्ब्स में पतले पतले ऊट पाए जाते हैं, इनको हम झाड़ीदार पौधे भी कह सकते हैं, जैसे कि रोज, तुलसी इत्यादि। क्लाइंबर्स ये अदर प्लांट्स का या अदर वॉल या फिर किसी भी चीज का सहारा पाकर ये ऊपर की ओर ग्रो होते हैं, जैसे ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, ये सारे क्लाइंबर्स हैं। क्रीपर्स जमीन पे ही ग्रो होते हैं, जैसे पंपकिन, वाटरमेलन। ट्रीज बिग प्लांट होते हैं, इनमें मोटा ट्रंक पाया जाता है और मोटा ट्रंक उससे ब्रांचेस निकलते हैं। ट्रीज जो है वो अनेक सालों तक जीवित रहते हैं।
फर्स्ट हेडिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था. वंस अपॉन अ टाइम मोस्ट ऑफ आवर लैंड वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. एक समय की बात है, हमारे लैंड का, हमारी जमीन का मोस्ट ऑफ आवर लैंड हमारी जमीन का अधिकतर भाग कवर्ड मतलब ढका हुआ था विथ फॉरेस्ट मतलब जंगल से. मतलब हमारे अर्थ पे पेड़ जो है पहले बहुत ज्यादा थे, बट लेकिन बाय एंड बाय धीरे धीरे पीपल बिल्ड विलेजेस एंड सिटीज, लोगों ने गांव और शहर बनाना शुरू किया टू लिव इन, रहने के लिए. एंड मेनी ट्रीज वर कट डाउन, और बहुत सारे पेड़ काट डाले गए. विदाउट द ट्रीज, पेड़ों के बिना द टाउन्स एंड सिटीज बिकम ड्राई. जो शहर हमारे हैं वो सूखे हो जाएंगे. एंड द एयर बिकम्स पॉल्यूटेड, जो और हवा जो है वो प्रदूषित हो जाएगी. That is why, यही कारण है, it is very very important to grow more trees and keep our towns and cities green. यही कारण है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा जो सिटी हो वो कैसा रहे, वो हरियाली से भरा हुआ हो और हवा जो है वो फ्रेश हो. Trees not only make our city beautiful, पेड़ हमारे cities को सुंदर ही नहीं बताते, but also keep the air fresh, बल्कि हवा को भी फ्रेश ताज़ा करते हैं. एंड प्रोवाइड सेड ड्यूरिंग समर, हॉट समर मंथ, और गर्मी के महीनों में हमें छाया भी देते हैं. पेड़ क्यों, धीरे धीरे पेड़ों की संख्या इतनी कम क्यों हो गई, पेड़ क्यों इतने काटे गए. धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या बढ़ती गई, उस जनसंख्या के रहने के लिए घर चाहिए, और घर के लिए पेड़ों को काटा गया घर बनाने के लिए, तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भोजन चाहिए, तो जंगलों को काटकर खेत बनाए गए अनाज उगाने के लिए. इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए गए, निर्माण कार्य किए गए, जैसे पुल, ब्रिज, किसी फैक्ट्री का निर्माण, रेलवे लाइन, रोड, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए गए, और जिस कारण से भी पेड़ों को काटे गए. और इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली पेड़ों की संख्या कम होती गई, और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, धीरे धीरे ये विलुप्त हो रहा है. बहुत कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं जहां हमें बहुत फॉरेस्ट भारत के देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालय क्षेत्रों में हम देखें तो यहाँ हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. फिर से नॉर्थ ईस्ट असम साइड में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, भारत के वेस्टर्न घाट में हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि, ऐसे कुछ कुछ जगहों पे हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. Knowing our trees. अब हमें बहुत सारे पेड़ों के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट जो ट्री है वो क्या है, नीम. नीम जो है बहुत यूजफुल ट्री है. नीम इज एन एवरग्रीन ट्री. यह एक एवरग्रीन ट्री है, हमेशा हरा भरा ये रहता है. एंड ग्रोज इजिली इन मोस्ट क्लाइमेट, और लगभग सभी जलवायु में यह उग जाता है. चाहे इट फ्लावर्स between February and May and provides honey-scented white flowers. फरवरी और मई के बीच में इनमें फूल, नीम में आपने देखा होगा छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल लगते हैं, जिस हनी सेंटेड, मधु की तरह, जिनमें मीठी, जिसमें सुगंध होती है. It is a strange thing that though its leaves are bitter, its flowers are very attractive to the bees as they are full of nectar. इनकी पत्तियां जो है वो बहुत ही कड़ी होती हैं, फिर भी इनके जो फ्लावर होते हैं, नीम के पत्तियों के, नीम में जो वाइट फ्लावर होते हैं, वो उनमें नेक्टर मतलब उनमें जूस बहुत ज्यादा होता है. इस कारण से जो बीज मधुमक्खियां होती हैं वो इनमें काफी अट्रैक्टेड होती हैं, इनके प्रति काफी आकर्षित होती है. नीम लीव्स आर यूज्ड एज फॉडर.
नीम लीव्स जानवरों के चारा के रूप में भी यूज किया जाता है। नीम की पत्तियों को खाना एनिमल्स जो है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, वो बहुत पसंद करते हैं। एंड ग्रीन मैन्यूज और खाद बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इट्स वुड रिपेल्स टर्माइट्स। इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो दीमक को प्रतिकर्षित करती है, मतलब दीमक इसमें नहीं लगते। एंड अदर इंसेक्ट और दूसरे भी इंसेक्ट जो है वो इसमें नहीं लगते, उनसे दूर भागते हैं इनकी लकड़ियों से। इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज होती है, जैसे बिल्डिंग भवन निर्माण में भी लकड़ियों का यूज होता है, जैसे दरवाजे खिड़की बनाने इत्यादि कार्यों में। तो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी नीम की लकड़ियों का उपयोग होता है, नीम के जो टिम्बर है उनका उपयोग होता है। एंड इज मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर लकड़ी के सामान बनाने में उपयोग होता है। एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स, फार्म इम्प्लीमेंट, फार्म का मतलब होता है खेत और इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है उपकरण, खेती के उपकरण जैसे कि हल इत्यादि बनाने में भी इनका उपयोग होता है। नीम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड पेस्टिसाइड। नीम का जो अर्क है, नीम के पत्तियों से जो जूस निकाला जाता है या फिर उसके जो उसका जो फल होता है उससे जो जूस निकाला जाता है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, या फिर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी बनते हैं, मतलब कीटनाशक जिससे कीड़े जो है वो दूर भागते हैं। तो नीम का जो पेड़ है वो काफी यूजफुल है। इतना एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। कल हमें पढ़ना है इमली के पौधे के बारे में। इमली के पौधे से हम शुरू करेंगे। थैंक यू।